दोस्तों आज भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला खेला गया। आज के मुकाबले में भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत खराब रही और ईशान किशन 2 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 1 रन बना सके। उसके बाद बैटिंग नहीं राहुल त्रिपाठी, उन्होंने शानदार बैटिंग करते हुए मात्र 16 गेंदों पर 35 रन बनाई, जबकि सुमन गिल ने 36 गेंदों का सामना करते हुए 46 रनों की शानदार बल्लेबाजी की और 2 चौके और 3 छक्के लगाए और राहुल त्रिपाठी ने अपनी पारी में 5 चौके और 2 छक्के लगाए। लेकिन उसके बाद बैटिंग नहीं आई सूर्य कुमार यादव, उन्होंने आते ही शानदार बैटिंग शुरू कर दी और मात्र 25 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। उसके बाद भी उनका बल्ला खामोश नहीं रहा और लगातार अच्छी बैटिंग करते गई और मात्र 45 गेंदों पर उन्होंने अपने T20 करियर का तीसरा शतक पूरा किया और 51 गेंदों पर 112 रनों की नाबाद पारी खेली और 7 चौके और 9 छक्के लगाई। सूर्य कुमार यादव ने 219 की स्ट्राइक रेट से रन बनाई, जबकि कप्तान हार्दिक पांड्या और दीपक हुड्डा ने 4-4 रन बनाई और आखिरी में भारत के लिए अक्षर पटेल ने 9 गेंदों का सामना करते हुए 21 रन बनाई। इस प्रकार भारत ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए और श्रीलंका को जीत के लिए 229 रनों का टारगेट मिला। टारगेट का पीछा करते हुए श्रीलंका की शुरुआत तो अच्छी रही। पार्थिव निशंक और कुशल मेंडिसन दोनों ने मिलकर पहले विकेट की साझेदारी में 44 रन जोड़े, लेकिन उसके बाद कुशल मेंडिस 5 ओवर में आउट हुए। उनको अक्षर पटेल ने आउट किया जो कि 15 गेंदों पर 23 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद पार्थिव निशंक भी 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गई और उसके बाद लगातार अंतरालों पर श्रीलंका की विकेट गिरते गई। धनंजय डिसूजा 22 और चरिता श्रीलंका 19 रन बना सके और चमिका करुणा रत्न ने अपना खाता भी नहीं खोल पाई। फिलहाल कप्तान दर्शन सेना का 15 गेंदों पर 22 रन बनाकर क्रीज पर है और 15 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 130 पर 7 विकेट हो चुका है, लेकिन अभी भी श्रीलंका जीत से बहुत दूर है। वैसे दोस्तों आपके अनुसार आज का मैच कौन सी टीम जीतेगी हमें कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा और क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।